इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के वापस से क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारी एग्जाम्स आने वाली है अभी, जैसे ICRUG एग्जाम आएगी और कुछ एनिमल हस्बेंड्री के जो डिप्लोमा एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बुक में से कलेक्ट किए मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः गाय का सुखाई काल यानी कि ड्राई पीरियड कितने दिनों का होता है? देखिए ड्राई पीरियड, सबसे पहले तो आपको बता दूँ जो ड्राई पीरियड होता है वो कब होता है। तो जब हमारी गाय या भैंस या कोई सा भी पशु ब्याने वाला होता है तो उसके जो 60 दिन रहते हैं उसके पहले के 60 दिन उसे ड्राई पीरियड कहते हैं, सुखाई काल। मतलब जो ब्याने के पहले जो दिन रहते हैं उसके 60 दिनों तक हम उसका दूध नहीं निकालते हैं, उसकी खिलाई पिलाई करते हैं, जिससे कि आने वाला जो दूध काल आएगा यानी कि लैक्टेशन पीरियड उसमें ज़्यादा दूध दे। तो उसे ही 60 दिनों को यानी जो 2 महीने का काल रहता है जो कि ब्याने के पहले उसे सुखाई काल कहते हैं यानी ड्राई पीरियड। तो कितने दिनों का होता है सुखाई काल? होता है 60 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने दिनों का होता है? 60 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के ब्याने के 3 माह पूर्व, अब देखिए यहाँ पर 3 माह पूर्व आ गया, गाय के ब्याने के 3 माह पूर्व से उसकी अच्छे से दाना रावत यानी कि दाना कुछ भी बोल दो, रावत या खिलाई पिलाई देकर ब्याने के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? यानी कि जब गाय हमारी ब्याने वाली हो तो उसके 3 माह पूर्व से उसके अच्छे से खिलाई पिलाई करना, दाना देना आदि को आदि देकर उसे तैयार अगले लैक्टेशन पीरियड के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? तो उसे कहलाते हैं स्टीमिंग अप, शक्ति संचय, शक्ति संचय कहते हैं उसे, स्टीमिंग अप। थर्ड है, ब्यावन कक्ष का आकार कितना होना चाहिए? यानी जहाँ पर हमारी गाय या भैंस कोई भी ब्याने वाली हो तो उसका ब्यावन कक्ष का आकार कितना होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए 12 x 12 फीट, 12 बार 12 बाई 12 फीट होना चाहिए, जिसे हम 12 बाई 12 बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितने वर्ष का होता है? देखिए यहाँ पर डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है 10 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का उत्पादक जीवन। इसमें कुछ पशु मतलब पशु पशु टू पशु डिफ्रेंशिएट कर सकता है, जैसे 10 12 10 12, लेकिन 10 वर्ष होता है डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन, यानी कि इस काल में वो एक दूध देंगे अति उत्पादक, उत्पादक काल मतलब उत्पादक दूध देंगे ऐसा, तो 10 वर्ष होता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, अगर ये मात्रा मिस्टेक कुछ हो हिंदी में तो माफ़ करना, है मैंने कीबोर्ड से लिखे हैं ताकि कुछ इधर उधर जल्दी जल्दी मात्रा मिस्टेक हो गई हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, गाय में कुल दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध दूध के दांतों की संख्या गाय में होती है 20। कितनी होती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों के शरीर का ताप कितना होता है? तो मुर्गियों के शरीर का ताप होता है 107 डिग्री 5 फेरेनहाइट, 107 डिग्री 5 फेरेनहाइट, ये डिग्री नहीं लिखा आया था तो मैंने वो पॉइंट लगा दिया, 107 डिग्री 5 फेरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध देती गाय को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? यानी एक दुधारू गाय को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है 30 से 35 लीटर। और जो सूखी गाय होती है यानी जो दूध नहीं देती है उसको होती है लगभग 25 लीटर, 25 लीटर। आपसे भी पूछ सकते हैं सूखी गाय को प्रतिदिन पानी कितनी आवश्यकता होती है, तो 25 लीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, हे तो आपने नाम सुना होगा, एक तो साइलेज रहता है और हे रहता है, तो साइलेज तो नमी में बनाया जाता है और हे धूप में सुखाकर बनाया जाता है, तो हे में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से कम होना चाहिए? तो इसका आंसर है 18% से कम होना चाहिए, हे में नमी की मात्रा 18% से कम होना चाहिए। इसके बारे में कुछ और फैक्टर्स रहते हैं DCP आदि, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा या अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगले वीडियो में इसके जस्ट बाद अगर आपने इसको रिस्पॉन्स अच्छा दिया, लाइक या शेयर किया, तो मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन क्या आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो मोटिवेशन नहीं बनता है। तो हे में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से कम होना चाहिए? 18% से कम। क्वेश्चन सभी सही है, ऐसा कुछ नहीं गलत है, सारे बुक्स लिए तो सही है क्वेश्चन, उसकी डरने की बात नहीं है। पशु को आहार किसके आधार पर देते हैं? ये क्वेश्चन हमारा, पशु को आहार किसके आधार पर देते हैं? आपको ऑप्शन दे दिए, भार के आधार पर, लंबाई के आधार पर, आयु के आधार पर, किसके आधार पर पशु को आहार देते हैं? यानी कि एक देखिए, कभी भी किसी पशु को आहार देते हमें तो मालूम होना चाहिए कि उसको कितना आहार दें, ऐसा तो नहीं कि जितना चाहे उतना दे दे। तो पशु को आहार किसके आधार पर डिसाइड करते हैं? तो डिसाइड करते हैं उसके भार के आधार पर, ना कि उसकी लंबाई, उसकी आयु या उसकी हाइट के आधार पर, उसके भार के आधार पर पशु का आहार डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुर्गी में हैजा रोग का कारण क्या है? तो मुर्गियों में हैजा रोग का कारण है बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवाणु बोलते हैं और वायरस को विषाणु बोलते हैं। तो मुर्गी में हैजा रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण।
अगला क्वेश्चन हमारा, गाय का जीवन चक्र कितना होता है? तो देखिए हमारी जो गाय होती है उसका जीवन चक्र होता है 22 साल का, 22 वर्ष का, 22 ईयर्स का, कुछ भी बोल लो, यानी कि लाइफ पीरियड होता है 22 साल का। अगला क्वेश्चन हमारा, दोहरी पक्ति पशुशाला, आपने सुना तो होगा पशुशाला का नाम हो नाम, जैसे कि एक हरी पशु पशुशाला और मुँह टू मुँह, पूँछ टू पूँछ पशुशाला, मुँह टू मुँह पशुशाला, तो दोहरी पक्ति पशुशाला। यहाँ पर ना तो मुँह से मुँह की बात की गई ना पूँछ से पूँछ की, यहाँ पर दोहरी पक्ति पशुशाला की बात की गई। एनिमल हस्बेंड्री में ऐसे ही नाम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोहरी पक्ति पशुशाला में नाद की चौड़ाई रखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर नाद आपको समझ में नहीं आएगा, जो हमारे पशु खाना खाते हैं ना उसके आगे रहती है वहाँ पर, तो नाद की चौड़ाई रखी जाती है 2.5 फीट, 2.5 फीट। देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि सारे पशु के शरीर से ही बनते हैं क्वेश्चंस, वो रहते कहाँ पर है, वो रहते हैं वो, उसका साइज कितना होना चाहिए, सबसे अच्छी पशुशाला कैसी होती है, पशु को चारा कैसा देनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो दोहरी पक्ति उस पशुशाला की जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इतना बनेगा, इतना नहीं बनता है क्वेश्चन से, एक नॉर्मली बनते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, लेकिन अच्छा हो सकता है कभी कभी पूछ सकते हैं। तो 2.5 फीट इसका आंसर है, दोहरी पक्ति पशुशाला में नाद की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक एक मार का अंडे का भार होता है। देखिए एक जो माननीय अंडा अंडा होता है, जैसे कि हमने सोने का एक कर लिया 24 कैरेट सोना, तो इसी अंडे का एक एक मानक भार होता है कि इतना भार तो होना चाहिए, एक औसत मतलब जो एक अंडा होता है उसका, तो उसका होता है 56 ग्राम, 56 ग्राम अंडे का भार होना चाहिए मानक एक मार का भार। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, डेंटल पेड, अब देखिए कास्ती गद्दी बोलते हैं हिंदी में इसे, डेंटल पेड मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं दिया उसको, तो कास्ती गद्दी बोलते हैं। तो डेंटल पेड पशु में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए जो ऊपरी जबड़ा है जिसे हम अपर जा बोलते हैं, अपर जा, जे जेड जे ए डब्ल्यू, अपर जा, तो उसे ऊपरी जबड़े में डेंटल पेड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऊपरी जबड़े में। नेक्स्ट है गुणांकन पत्रक, गुणांकन पत्रक तो आपने नाम सुना होगा, जिसके आधार पर हम पशु को अंक देते हैं कि कौन सा पशु अच्छा है कौन सा पशु खराब है। तो गुणांकन पत्रक विधि में पशु का अयन संस्थान, यानी कि अयन जहाँ पर जहाँ से हम दूध निकालते हैं, तो गुणांकन पत्रक विधि में पशु का अयन संस्थान को कितने अंक निर्धारित है? तो इसका आंसर है 35 अंक, 35 अंक निर्धारित है गुणांकन पत्रक विधि में पशु के अयन संस्थान को, 35 अंक निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशुओं को बधिया करने की विधि क्या कहलाता है? मत तो मादा देखिए आपने वो तो पढ़ लिया कि जो नर होते हैं उनको बधिया करने की विधि क्या कहलाती है, लेकिन मादा पशुओं को बधिया करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं अपनयन, अपनयन, नाम कुछ अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन अपनयन बोलते हैं इसे। तो मादा पशुओं को बधिया करने की विधि क्या कहलाती है? अपनयन। नेक्स्ट है, गाय में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो गाय में स्थायी दांतों की संख्या होती है 32, कितनी होती है? 32, 32 होती है स्थायी दांतों की संख्या। नेक्स्ट है, मुर्गी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होनी होती है? तो मुर्गी की श्वसन दर प्रति मिनट होती है 15 से 30 मिनट। जैसे आप गाय व भैंस का भी देख लीजिएगा, ये मैं बना दूंगा अगला वीडियो, तो मुर्गी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 15 से 30 मिनट, 15 से 30 बार। लास्ट दो क्वेश्चन हमारे, बकरी का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका होता है 12 वर्ष का, बकरी का जीवन काल 12 वर्ष का होता है। और गाय के ब्याने के कितने दिनों बाद गर्भधारण किया जा सकता है, यानी किया जा सकता है, यानी कि हो सकता है या किया जा सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो गाय के ब्याने कितने दिन बाद गर्भधारण किया जा सकता है? 60 दिन बाद, यानी 2 महीने बाद। आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आगे की सीरीज़ भी लाऊंगा मैं वीडियो की, अगर आपने इसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो लाऊंगा इसे, हो तो इसे भी मैं, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, अच्छे क्वेश्चन से लाऊँ मैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।